हेलो स्टूडेंट, आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीए बीएससी और बीकॉम की जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। हालांकि मैं बता दूं, सभी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर वाइज, तो वो तो आपकी जो नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं, जो इसी साल से शुरू हुए हैं। सेमेस्टर वाइज जिनके एग्ज़ाम होने उनकी डेट कब से शुरू है, और सबके जो एनुअल एग्ज़ाम हो गए तो उनकी डेट कब से शुरू है, यानी आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी वो उसकी डेट आ चुकी है, तो कब से एग्ज़ाम शुरू हैं। और यहाँ पर जो आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुई है सेमेस्टर वाइज, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम लगभग कहीं कहीं हो चुके हैं और कहीं चल रहे हैं, लेकिन उसी से सेमेस्टर से रिलेटेड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कब से होंगे, तो कुछ कहीं की आपकी डेट आ चुकी है। तो फटाफट तैयार देख लीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि जो आपके सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम होगा वो किस प्रकार का होगा वो देख लेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव आएंगे या थ्योरी आएंगे। फटाफट देख लेते हैं सूचनाओं को, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके और अच्छी आप तैयारी करें ताकि अच्छे नंबर आए। तो फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे थे वो उसमें देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जिनका अभी चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो देख लेते हैं। प्रथम सेमेस्टर की सभी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हैं, तो यहाँ पे आपने जो अभी हो चुकी हैं आपकी जो कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। अब सेकेंड सेमेस्टर में किस प्रकार की होगी चलो देख लेते हैं उन्हें। ये रही आपकी सेकंड सेमेस्टर की डिटेल, और यहाँ पे आपको भी मिलेगी, देख लीजिए यहाँ पे विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 5 मई से शुरू होंगी। सारी की सारी आपकी परीक्षाएं जो वार्षिक परीक्षा होंगी कितनी 5 मई से होंगी, लेकिन नई नीति अनुसार देख लेते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देख लेते कि जो नई शिक्षा नीति के तहत 15 जून से होंगी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। क्या कहा गया है कि जो आपकी नई शिक्षा नीति के तहत जो एग्जाम होगा वो कब से होगा, 15 जून से होगी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो याद रखना जो अब सेमेस्टर वाइज होगी वो तो आपकी 15 जून से शुरू हो गई हैं, और जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी वो 5 मई से होंगी। देख लीजिए यहाँ पे ड्रिल पूरी पढ़ के, यहाँ पे क्या है कानपुर यूनिवर्सिटी से सारी जो आपकी सूचनाएं है तो देख लेते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 5 मई से शुरू होंगी। इस महीने 1 महीने तक परीक्षाएं चलेंगी। 15 जून से नई शिक्षा नीति के तहत द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी है, फैसला विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में हुआ है। तो बुधवार को कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अगुवाई में हुई परीक्षा समिति की बैठक में सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा की तिथि पर मोहर लग गई है। लिखित परीक्षा खत्म होते ही प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो यहाँ देख लीजिए कौन सी किस प्रकार की परीक्षा होंगी, यहाँ पे आप देख लीजिए सभी लिखित परीक्षा होंगी। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि जो आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा या वार्षिक परीक्षा होगी वो किस प्रकार से होगी, लिखित एग्जाम होगा। अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या करना होगा, लिखित परीक्षाएं देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें ताकि अच्छे नंबर आ सके, क्योंकि इसमें तो आपको लिखना होता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। इसलिए अभी से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि 15 जून को आपको द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, और उससे पहले 5 मई को आपकी सभी वार्षिक परीक्षाएं होने लगेंगी, लेकिन सेमेस्टर वाइज तो आपको 15 जून से होगी जो नया सत्र शुरू है। तो इसके आगे देख लेते हैं क्या कहा है, देख लेते हैं जो आपकी यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा कड़ाई है तो उसी भी देख लेते हैं, सारी जानकारी एक बार आप समझ लीजिए ताकि आपको कहीं और ना भटकना पड़े। तो फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या कहा है, यहाँ पे सभी जो आपकी परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। कुलपति ने बताया कि परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का जो पहली बार डिजिटल इवेल्यूशन घर में बैठकर कॉपी जांचने की सुविधा कराया जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद स्नातक, ये देखो यहाँ पे यहाँ से हायर लागू स्नातक परास्नातक प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रणाली और स्नातक द्वितीय अंतिम वर्ष में प्रणाली लागू है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, कॉलेज में यदि छात्र को 70% अंक अधिक आते हैं, यदि किसी छात्र के जो आपके एनुअल एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ किसी स्टूडेंट के 70% अधिक अंक आते हैं तो उसमें कारण बताना पड़ेगा टीचर को कि इसके 70 से अधिक नंबर कैसे आए। यदि अधिक 35% से नंबर कम आते हैं तो भी टीचर को कारण बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इनके 35 से किसी स्टूडेंट के नंबर क्यों आए हैं। तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ देख लीजिए, जो आपके सेमेस्टर वाइज होते थे कॉलेज में, तो वहाँ पे कॉपी क्या स्कूल में ही रहती थी, आपके कॉलेज में ही रहती थी सारी, तो आप यहाँ पे क्या होगा कि आपकी कॉपी जाँचने के बाद सीधी कहाँ जाएगी, विश्वविद्यालय में जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, कोटाध्यक्ष डॉक्टर बीडी पांडे ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाओं वाह परीक्षक रहेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम होता था पहले के कॉलेज के टीचर उसमें परीक्षक के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अब यहाँ पे वाह परीक्षक रहेंगे। परीक्षा कराने से संबंधित सामग्री को लेकर परीक्षा कराने के बाद जो उत्तर पुस्तकाएँ वो अब विश्वविद्यालय में जाएंगी। पहले क्या होता था कॉलेज में ही रहती थी, जो उत्तर पुस्तकाएँ हैं वो विश्वविद्यालय में जाएंगी, अभी तो कॉलेज में ही रहती थी। तो ये जानकारी यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही हम बताना चाहते हैं कि यदि आपकी सूचना पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।